हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑफिशियल नीट कट ऑफ के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले ना यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आया है, जिसमें कि लिखा है कि कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ हुआ है फाइनली। और हम यहाँ पे जानेंगे कि जितना मैंने बताया था क्या वैसा ही हुआ है या उससे कुछ मतलब डिवेट हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो जो भी आपको सीट मिली है क्या उसको कोई खतरा है, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि आपको ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं अभी, क्योंकि आपको पता होगा अभी उसका थर्ड राउंड चलने वाला है और सेकंड राउंड चलने वाला है, तो वहाँ पे कट ऑफ पे क्या सीन रहता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। अभी यहाँ पे और आगे जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिजिक्स वाला के सारे बैच पे भारी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको फिजिक्स वाला के बैच का ओवरव्यू देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे बैचेस की बात करें तो सबसे पहले अर्जुना नीट 3.0 बैच है, जिसका एक्चुअल प्राइस 4200 था और अभी आपको ऑफर में मिल रहा है 3200 में। ऐसे ही लक्ष्य नीट 3.0 है, जिसका एक्चुअल प्राइस 4500 था और अभी आपको ये 3200 में मिल रहा है। और एक है यकीन नीट इंग्लिश, जिसका एक्चुअल प्राइस 4700 है और अभी ऑफर में आपको ये मिल रहा है 3200 में। ऐसे ही यकीन 4.0 है, जिसका एक्चुअल प्राइस 4500 है और अभी आपको ये मिलेगा 3200 में। यकीन हिंदी 2.0 और एक बैच है यहाँ पे, जिसका एक्चुअल प्राइस 3700 है और अभी ये आपको मिल रहा है 2300 में। इन सभी बैचेस में फिजिक्स वाला आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। 6 days ए वीक आपकी क्लासेस चलेंगी एंड 3 live lectures पर डे। अब क्लासेस खत्म होने के बाद आपको DPPs मिलेंगे विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट, और हर एक क्लास के आपको PDF नोट्स मिलेंगे जिनको अपलोड किया जाएगा फिजिक्स वाला की ऐप पे। अगर आप में से कोई इन बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड MP150 यूज कर सकते हो, इसकी मदद से आपको इंस्टेंट 150 rupees ऑफ मिलेगा। तो जल्दी करें, आजादी के खास ऑफर्स का लाभ उठाएं और अपना करियर बेहतर बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ देखते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रहा है इस साल, और उसी हिसाब से आप नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करोगे। अगर आपको फिर से नीट का एग्जाम देना है तो मतलब इससे ज्यादा ही आपको टारगेट रखना पड़ता है, क्योंकि दिन बाय दिन ना कट ऑफ बढ़ता रहता है। तो ये आप देख सकते हो, ये ओपन मेरिट का है, 294 रैंक, 597 पे MBBS मिला था लास्ट बच्चे को, 538 फीमेल्स का कट ऑफ है। जो ये 597 है ना, ये एक मार्क्स कम भी हो सकता है सेकंड राउंड में, अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा। ऐसे ही EWS की बात करें तो 325 फीमेल एंड 423 मेल्स, पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है मेल्स का। RBA 491 फीमेल्स एंड 573 मेल्स। ALC की बात करें तो यहाँ पे 442 एंड 406 मेल एंड फीमेल। JKPM की बात करें तो 588 हुआ है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 534 सही कट ऑफ रहता है इनका, क्योंकि सीटें कम है इनके पास ना, 1% रिजर्वेशन होती है। PSP की बात करें तो 488 422 मेल एंड फीमेल, यहाँ पे आप देख सकते हो मेल और ये फीमेल। SC की बात करें 397 एंड 420 है, मेल फीमेल ये भी है सेम ही, ऐसे ही मेल फीमेल। SP कैटेगरी 532 451, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है ना, ये कट ऑफ है, ठीक है ना, वो वाली ना रैंक है जो अलग है। ऐसे ही ST की बात करें तो 421 एंड 364 हुआ है मेल एंड फीमेल्स का। तो अभी आपका ये एक डाउट था जो कि मुझे क्लियर करना है। सेकंड राउंड देखो, अगर अभी आपने एडमिशन किया है फर्स्ट राउंड में, जैसे किसी को GMC अनंतनाग मिला और वो चाहता है कि मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा ताकि मैं अपग्रेड हो सकूं, मुझे कोई और कॉलेज मिले उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो अब बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, क्या हमारी जो सीट है अभी जो हमने मतलब जिसमें हम सेलेक्ट हुए, जैसे कि GMC अनंतनाग की बात करें, किसी बच्चे को मिली है तो अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है सेकंड राउंड में। अगर उसको सेकंड राउंड में कुछ नहीं मिला तो उस सीट का क्या होगा जो उसके पास ऑलरेडी जहाँ पे उसने एडमिशन किया है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वो 100% सेफ सीट होती है, ठीक है ना। वो सीट तभी मतलब निकल जाएगी आपके हाथों से जब आपको नया कॉलेज मिलेगा, जब आप नए कॉलेज में एडमिशन करोगे, वरना ऐसे कुछ नहीं होता है कि आपकी सीट खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होता है सेकंड राउंड में, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर ओपन मेरिट की बात करूँ तो एक मार्क्स चांसेस है कि कट ऑफ डिक्रीज हो, एक मार्क्स है। लेकिन अब AIQ का मसला है यहाँ पे, AIQ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका ना थर्ड राउंड और सेकंड राउंड है, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत नीचे तक जा सकता है। जैसे कि हमारे स्टेट का SL 597 हुआ है कट ऑफ, जबकि पिछले साल सिक्किम्स का जो सेकंड राउंड में कट ऑफ हुआ है ना, वो हुआ है 596। तो AIQ के थ्रू आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं कम स्कोर पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप यहाँ पर स्टेट सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इसमें ये कोई नहीं है कि उसमें किया है तो इसमें नहीं कर सकता है, बंदा आराम से कर सकता है।
कट ऑफ मैंने बता दिया। अब ये पिछले साल का ये है, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। देखो जब आप सेकंड राउंड करने जाओगे यहाँ पे, मतलब स्टेट काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे होता है फिजिकल राउंड, मतलब आपको जैसे फर्स्ट राउंड क्या था, ऑनलाइन था, जबकि यहाँ पे आपको बोपीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। ये उस टाइम का सिलेक्शन लिस्ट है और ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, जैसे कि ये पहले अगर हम देखेंगे 622 पे एक बंदे को मिला था जीएमसी जम्मू, ठीक है ना, लेकिन उसने अपग्रेड किया और सिक्किम्स ले लिया यहाँ से, तो उसको मिला है, ये वही वाला है। ऐसे ही ओपन मेरिट दूसरा था 620, जिसको जीएमसी जम्मू मिला था, इसने भी सिक्किम्स किया है, इन तीनों बच्चों ने सिक्किम्स लिया है 620 पे। उसके बाद 619 पे किसी को जीएमसी अनंतनाग मिला था और इसने भी सिक्किम्स लिया है। एक सेकंड, ये कब का है, ये 2022 का है, हाँ देखा, मतलब सेकंड राउंड में कट ऑफ कैसे जाता है, वरना पहले राउंड में पता नहीं स्कीम्स का कितना हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ था लेकिन इससे। ऐसे ही मेल को 619 मिला, 619 पे अनंतनाग मिला था, इसने स्कीम्स लिया। और एक है जीएमसी अनंतनाग से जीएमसी जम्मू, जीएमसी कठुआ से जीएमसी जम्मू, जीएमसी राजौरी से जीएमसी अनंतनाग मिला है, जीएमसी बारामूला से जीएमसी अनंतनाग मिला है, जीएमसी बारामूला से जीएमसी जम्मू मिला है, जीएमसी राजौरी से बारामूला, जीएमसी राजौरी से कठुआ, एसकॉम, देखो यहाँ पे एसकॉम्स, ये वाले बंदे जो है ना, इनको एसकॉम्स मिला था पहले राउंड में और सेकंड राउंड में इनको जीएमसी राजौरी मिला। ऐसे ही यहाँ पे एसकॉम्स मिला था, जीएमसी कठुआ मिला, एसकॉम से एसकॉम्स ही मिला है इन बच्चों को दूसरे जो है। अब जो एक खाली जगह है ना, इनको कुछ नहीं मिला था पहले राउंड में और सेकंड राउंड में इनको एसकॉम्स मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से आप कट ऑफ भी देख सकते हो एसकॉम्स का, ज़रा देखते हैं यहाँ पे 563 JKPM कैटेगरी तो यहाँ पे चलती ही नहीं है एसकॉम्स में, तो 550 पे एसकॉम्स मिला है एक बंदे को, 541 ओपन मेरिट जीएमसी राजौरी से जीएमसी कठुआ, मेरी सबसे फीमेल होगी, हाँ फीमेल ही है। ऐसे ही 523 मेल ओपन मेरिट, इसको MBBS एसकॉम्स मिला है 523 पर भी, हाँ अच्छा, ये लेकिन हिंदू माइनॉरिटी वाला है। तो ऐसे ही आपको भी कॉलेज मिल सकता है अगर आप अपग्रेड करते हो, तो अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अगर आपको कोई और डाउट है काउंसलिंग के रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।